हेलो वेलकम टू केन स्टडीज सी ए पी का जो डी आपका फील होना है उसके बारे में डिटेल में मैं बता रहा हूं कि डिटेल्स में और क्या आपको जरूरत होता है क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए क्या सर्टिफिकेट चाहिए किस चीज़ के डिटेल चाहिए और डिटेल एप्लीकेशन फॉर्म क्या है किस ढंग से है तो वो उसके बारे में मैं इस इसमें डिटेल बता रहा हूं विद ओरिजिनल ऑफ़ कैंडिडेट कैंडिडेट वन जो हैं उनका डीए मैं दिखा रहा हूं ऑलरेडी मैंने 2020 ट्वेंटी में जो 2020 वाला है उसमें एक और कैंडिडेट का दिखा चुका हूं तो उसका भी लिंक मैं यहां शेयर कर दूंगा ताकि आप इसको भी देख सको और दो डीएफ का एक तरह से आपको एक्सपीरियंस हो जाए तो इसमें मैं जो 2018 के ट्वेंटी कैंडिडेट जो फाइनली सिलेक्टेड हैं अब उनकी ट्रेनिंग कंप्लीट ऑलमोस्ट हो चुकी है किसी भी टाइम आपका उनका ट्रेनिंग ऑलमोस्ट ये फिनिश हो जाएगा और वो फिर सर्विस में फाइनल चले जाएंगे तो उनका डीएफ मैंने लिया है जो 2020 वाला में था तो उसमें हमने आप ज्यादा से ज्यादा देखोगे चीजों को समझने में तो इसमें हम ये बताएंगे कि डॉक्यूमेंट सबसे पहले की आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट अभी रेडी रखना है ठीक है तो पहली बात यह है कि जो आपके पास टेंथ का सर्टिफिकेट तो टेंथ जो है तो टेंथ एज के लिए आपका एज जो है कि 20 से 25 ईयर जनरल के लिए ओबीसी के लिए 28 और SCHT के लिए 30 और एक सर्विस गवर्नमेंट जॉब में है तो उनके लिए डिपेंडिंग ऑन वो किस कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं और एक सर्विस मैन के लिए आपका 5 ईयर मैक्सिमम दिया जाता है तो टेंथ का जो है तो सर्टिफिकेट जो आपको जमा करना होगा या तो उसमें क्या है कि आय आपके एक चीज किसी को भेजो आइर मार्कशीट आप भेजो या फिर सर्टिफिकेट भेजो ठीक है मार्कशीट या सर्टिफिकेट आप चाहो तो दोनों चीज भेज सकते हो नो इशू लेकिन ये सारे जो हैं इसको आपको सेंड आ, ये करना है उसको और जो प्रॉपर आपको उस समय वहां दिखाना होगा कि यस जो इंटरव्यू में हमारे पास ये ओरिजिनल है तो टेंथ आपको एज के लिए है ठीक है ग्रेजुएशन ट्वेल्थ की जरूरत नहीं होती है ट्वेल्थ वाले की आपको जरूरत नहीं है ग्रेजुएशन का जो है वो आपका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के लिए एजुकेशनल क्वालिफिकेशन आपका दिखाने के लिए ग्रेजुएशन का चाहिए अब ग्रेजुएशन में जिनका सपोज एपियरिंग में थे यानी फाइनल ईयर में थे तो आपका डी जो फील हो रहा है ट्वेंटी ऑफ अक्टूबर से लेकर के थर्ड ऑफ नवंबर uh, तक ठीक है तो इस यहां आपका लास्ट डेट थर्ड ऑफ नवंबर है तो यानी कि सेकेंड ऑफ नवंबर तक आपके पास प्रूफ होना चाहिए कि यस हम जो हैं वो पास हो चुके हैं हमारे पास पासिंग के रिकॉर्ड हैं

ट्वेंटी ट्वेंटी वन यानी कि जो जो फर्स्ट अप्रैल ट्वेंटी ट्वेंटी से लेकर के थर्टी फर्स्ट मार्च ट्वेंटी ट्वेंटी वन तक का जो वित्त वर्ष था इसका आपके पास इनकम एंड एसेट डिक्लेन होना चाहिए इनकम एंड एसेट सर्टिफिकेट इसका होना चाहिए इसमें जो हैदार होता है तो तहसीलदार का पोस्ट हर स्टेट में नहीं है तो आप क्या है कि नॉर्मली जो बनता शुरू में सीओ से बनता है जहां तहसीलदार नहीं है तो सीओ से आपने बनाया उसके बाद आप एसडीएम से एसडीओ से एसडीओ या फिर डीएम या डी सी वॉटर नेम तो इनसे आप काउंटर साइन इसमें से 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 किसी से एक काउंटर साइन डीएम से हो जाता है यानी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट या डेपुटी कमिश्नर ऑफ योर डिस्ट्रिक्ट यानी कि डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर तो इसमें से किसी का भी हो जाता है तो वो चलेगा तो जो, जो जनरल कैंडिडेट है उनको मेनली आपको जो चाहिए का का चाहिए, और का चाहिए, और लिए जरूरी है, लेकिन जो ईडब्ल्यू हो उनको फाइनेंशियल ईयर 2021 का इनकम एंड एसेट सर्टिफिकेट चाहिए जो ओबीसी हैं, उनके पास ओबीसी नन क्रीमी लेकेट चाहिए वो इसमें जो है थोड़ा पुराना भी रहेगा थोड़ा पुराना नहीं दो साल भी पुराना रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं लेकिन इसमें क्या होता है कि आपको आपके फादर और मदर पेरेंट्स के इनकम का डिक्लेरेशन देना पड़ता है जो इयर्स के लास्ट थ्री इयर्स का उसको आपको ऐसा नहीं सर्टिफिकेट को जरूरी नहीं है यदि आपके पास इनकम टैक्स फाइल करते हैं तब आपके पास सर्टिफिकेट उसके चाहिए यदि इनकम टैक्स फाइल नहीं करते हैं तो वो सर्टिफिकेट नहीं चाहिए ठीक है तो आपका वो थ्री ईयर्स का उसमें मांगते हैं लेकिन आपका ओबीसी सर्टिफिकेट एक चाहिए तो ओबीसी में ये फाइनेंशियल ईयर ट्वेंटी ट्वेंटी वन ये इसका मैंडेटरी नहीं है आपके पास ओल्ड भी है तो कोई दिक्कत नहीं है फिर यदि जरूरत पड़ता है तो वो लोग टाइम देते हैं ठीक तो है तो ये ओबीसी के लिए एक्स्ट्रा एस सी एस तो आपका कम्युनिटी सर्टिफिकेट चाहिए आप एस सी हो तो उसका सर्टिफिकेट चाहिए जो एक सर्विस मैन हो तो सर्विस मैन में आपके पास डिस्चार्ज लेटर चाहिए कि यस आप जो है आर्म फोर्सेस से डिस्चार्ज हो चुके हो यदि डिस्चार्ज लेटर लेकिन जो आपका फॉर्म फिल करने का लास्ट डेट था ऑफ मई, फिफ्थ ऑफ मई 2021 लास्ट डेट था फिल करने का तो उसके वन ईयर बाद यानी कि टी फोर्थ मे ट्वेंटी यानी कि चार मई 2022 तक आपके पास डिस्चार्ज लेटर होना चाहिए अभी नहीं है डी एफ फिल करने के टाइम कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि अभी इंटरव्यू आपका होने में टाइम लगेगा तो फोर्थ में टू थाउजेंड ट्वेंटी तक आपके पास डिस्चार्ज लेटर होना चाहिए फिर यहाँ मेरे इंटरव्यू भी हो गया उस समय भी आपके पास नहीं है फिर ये थोड़ी देर के लिए मान ले तब भी आपके पास टाइम रहेगा कि फोर्थ में टू थाउजेंड ट्वेंटी तक डिस्चार्ज लेटर मिल जाना चाहिए और तब तक आपको जमा यह उसके बाद आपको टाइम दिया जाएगा यूपीएससी देंगे तो ये रखो है, ज, आ, हर कैंडिडेट के लिए आपका का और ग्रेजुएशन का यह दोनों जरूरी है उसके बाद ओबीसी है तो आपका नन क्रीमी लेयर आ, का सर्टिफिकेट चाहिए और ईडब्ल्यूएस है तो उनके लिए फाइनेंशियल ट्वेंटी ट्वेंटी और ट्वेंटी रे एससी एसटी हैं तो आपका एससी एसटी कम्युनिटी सर्टिफिकेट चाहिए अब मान के चलो कि किसी के पास डिजायर्ड सर्टिफिकेट नहीं है तो अब उसके साथ क्या होगा उनके साथ क्या होगा तो आप कोई भी मान के चलो ओबीसी में आपने डाला अब ओबीसी सर्टिफिकेट आप प्रोड्यूस नहीं कर पाए जो टाइम हां ओबीसी सर्टिफिकेट जो होना चाहिए फॉर्म फील करने के लास्ट डेट के पहले जो आपने फॉर्म फील किया था यानी कि 4th मई 2021 तक का बना हुआ होना चाहिए ओबीसी सर्टिफिकेट यदि इसके बाद के डेट का है तो आप ओबीसी में ट्रीट नहीं होगे आप जनरल में तो कोई भी कैंडिडेट हो चाहे आप ईडब्ल्यू में हो एससी सी हो एसटी हो ओबीसी हो यदि आप अपनी कम्युनिटी सर्टिफिकेट प्रेजेंट नहीं कर पाते हो जो प्रेस्क्राइब्ड क्राइटेरिया है उसके अनुसार तो आप जनरल कैंडिडेट ओपन कैटेगरी में ट्रीट होगे ये बात है ठीक है उसके अलावे जो जरूरत होती है जो मदर फादर का इनकम ठीक है इनकम की जरूरत होती है वहां यदि मदर का मान खीचलो बहुत यह है जीरोल्चर तो जीरो लिख से, तो से लिखोगे उनका डेट ऑफ बर्थ डीओबी चाहिए होता है कि उनका डेट ऑफ बर्थ क्या है ये आपको प्रेजेंट करना पड़ेगा फिर उनका जन्म कहाँ हुआ है ये सब डिटेल आप पेरेंट्स से पूछ लोगे की अः उनका जो भी है ये जन्म कहाँ है ये ठीक है तो ये असमलसा चीजें है इसको आप तैयार रखोगे अब जो है हम इसमें जब आपका ये ट्वेंटी फर्स्ट को ये जब स्टार्ट होगा तो ये आपको मिल जाएगा ठीक है कि जो सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस एग्जामिनेशन 2021 तो ये देखो मैंने 2020 2020 वाले से लिया क्योंकि वाला अभी ये आया नहीं तो इसमें आपको लॉगिन करना पड़ता है तो लॉगिन आपका क्या है रोल नंबर और एक पासवर्ड आपको क्रिएट करना पड़ेगा यदि आप रजिस्टर हो तब यदि मान के चलो कि रजिस्टर्ड आप नहीं हो तो रजिस्टर ये क्या है ना कि नोट फोर सक्सेसफुली कैंडिडेट वनली यानी कि ये जो है उनके लिए और ये अभी जो क्या है कि जो सक्सेसफुली रजिस्टर जो पहले कर चुके हैं तो रजिस्टर कर चुके हैं तो आप अपना रोल नंबर डालोगे और पासवर्ड डालोगे अब यदि आप रजिस्टर अभी नहीं हो देखो इफ नोट रजिस्टर्ड रेडी यानी कि रजिस्टर आपको करना पड़ेगा पहले तो रजिस्टर होने के लिए ये आपको क्लिक है तो ये फोर सक्सेसफुल यानी कि रिटर्न जो क्वालिफाई हैं उन कैंडिडेट के लिए ये क्राइटेरिया है कि आपका जो भी होना चाहिए ब्राउजर जावास्क्रिप्ट एक्टिवेटेड होना चाहिए सपोर्टेड इंटरनेट एक्सप्लोर अब इंटरनेट एक्सप्लोरर जो है वो बंद हो चुका है तो आपका ठीक है और जो भी है आप आइदर मुजिला फायरफॉक्स ये यूज कर सक हो या गूगल क्रोम यूज कर रहे हो कोई भी तो ये इंटरनेट एक्सप्लोर को अब ऑफिशियली एक तरह से ये बंद कर दिया है ठीक है तो यहां आप रजिस्टर नहीं हो ये रजिस्टर कैंडिडेट यहाँ लॉग ठीक है इस इस पर क्लिक हेयर पे आप क्लिक करोगे तो ये वाला आपका खुलेगा ठीक है तो रजिस्ट्रेशन तो इसमें रोल नंबर आपको डालना है फिर नेम आपको डालना है डेट ऑफ बर्थ डालना है मोबाइल नंबर जो आप डाले हो और फिर आप ई मेल और ईमेल आईडी को आप जो है वो उसको कंफर्म करोगे और अल्टरनेट ईमेल आईडी कोई भी है तो डाल सकते हो और कंफर्म अल्टरनेट ईमेल आईडी अब उसके बाद ये आप कैप्चा को इंटर करोगे इंटर करने के बाद जो भी यदि आप चेक कर लो कि ये सही है तो इसको सबमिट करोगे सबमिट करोगे तो आपका मेल में जो है वो आपका पासवर्ड चला जाएगा जो यूजर नेम तो आपका ईमेल ये रोल नंबर है ही है और पासवर्ड जो है आपके ईमेल में चला जाएगा ठीक है लॉगिन आईडी एंड पासवर्ड प्लीज चेक यूर ईमेल अकाउंट आफ्टर सक्सेसफुल रजिस्ट्रेशन उसके बाद फिर उससे आप लॉगिन करके फिल करोगे तो ये जो है 2018 का एक कैंडिडेट का ये इसमें आपका एक आर आई डी होता आर आई जो रजिस्ट्रेशन आप जब फॉर्म फिल करने लगे थे तो उसका वो वो सब ऑटोमेटिक आपका कुछ चीजें कुछ फील्ड जो है वो ऑटोमेटिकली आपके रहेंगे जो आपने ऑलरेडी फिल किया हुआ है तो वो यहाँ आपका आर आई रहेगा रोल नंबर रहेगा नेम रहेगा ईमेल आईडी मोबाइल नंबर और यहाँ आपका जो है फोटो रहेगा जो आपने फॉर्म फिल करने में दिया हुआ है जो जमा किया हुआ था नेम आपका फिर से रहेगा ये एड्रेस ऑफ क्रस्पॉन्डेंस जहां आपका कम्युनिकेशन लेटर भेजा जाना चाहिए देखो अभी तो क्या है बहुत सारी चीजें आपका ईमेल से में आ जाता है या फिर आपको वेबसाइट से डाउनलोड करना पड़ता है जैसे फॉर एग्जांपल जब हम इंटरव्यू दे रहे थे तो कॉल लेटर जो है थ्रू स्पीड पोस्ट आया था तो उस समय जो है बहुत सारी चीजें स्पीड पोस्ट से इनिशियल in टाइम में देखोगे तो फॉर्म भी आपका फील करने के लिए आप आप या या तो फॉर्म खरीद करके ला सकते हो ऑनलाइन कर सकते थे दोनों विकल्प लेकिन इनिशियली दोनों विकल्प था शुरू में सबसे पहले आपका सिर्फ हार्ड कॉपी ही होता था तो उस समय टू तक इनफैक्ट देखो तो आपका जो भी कॉल लेटर वगैरह आता था तो वो आपके आ, फिजिकल फॉर्म में आ जाता था अब लेकिन आज की डेट में आपको डाउनलोड तो एड्रेस ऑफ एड्रेसेंस लिखना होगा जो भी ये टेलीफोन नंबर कोई जरूरी नहीं है मोबाइल नंबर आपका है ईमेल आईडी परमानेंट एड्रेस अब परमानेंट एड्रेस वही है तो क्लिक कर दो कोई दिक्कत नहीं है फिर डेट ऑफ बर्थ आपका रहेगा क्लेम एज रिलेक्सेशन तो यदि आपने नहीं किया है तो नो होगा नेशनलिटी ये कुछ चीजें जो है ऑलरेडी आपका फील होगा ठीक है ये और हर पेज में देखोगे यहाँ जो आपका रोल नंबर लिखा हुआ रहेगा जब ये करोगे और यहाँ सिग्नेचर जब आपका ये होगा कम्युनिटी ये देखो जनरल कैंडिडेट के हैं अब ये सारे में जो भी है बिलोंग कर रहे हो माइनॉरिटी कम्युनिटी से तो नो जो जो आपको डू यू प्रोसेस प्रेस्क्राइब्ड एजुकेशनल क्वालिफिकेशन तो यस आपको इस समय तो आपको अब करना ही होगा उस समय तो था कि मान के चलो कि अभी आयदर ये में था रिजल्ट अवेटेड था यहाँ लेकिन अब जो लास्ट डेट तक होना चाहिए तो आपका ये होना चाहिए यस yes, हम पास हो चुके हैं डू यू हैव एनी बेसिक एजुकेशनल क्वालिफिकेशन फ्रॉम फॉरेन इंस्टीट्यूशन तो फॉरेन इंस्टीट्यूशन से है तो नो no. ठीक है फिर उसके बाद टेंथ और इक्यूबेलेंट जो भी आपने ये किया है टेंथ ट्वेल्थ ग्रेजुएशन जो भी है इसमें आप जहां जहां से किए हो किस ईयर में पास हुए हो और फिर आपका जो भी ईयर है सब्जेक्ट आप लिखोगे ठीक है सब्जेक्ट के बाद आप किस स्कूल या कॉलेज जो भी है उसका नाम लिखना है फिर बोर्ड और यूनिवर्सिटी जो है उसका लिखोगे नेक्स्ट में फिर है जो वेदर यू प्रोसेस एनसी सर्टिफिकेट बी और सी दोनो आर सर्विसमैन

चॉइस है प्रिफरेंस है उसके आधार पे तो मेजोरिटी जो है रैंक डिसाइड करता है आपका तो इस सब में जो भी इंडिविजुअल प्रॉब्लम होगा ये आप बताना ऐसा नहीं है कि कोई इन्होंने एसएसबी फर्स्ट में दिया कोई आईटीबीपी फर्स्ट देते हैं कोई बीएसएफ देते हैं कोई सीआरपीएफ देते हैं जिनको अपने च्वाइस के अनुसार आपको जो डाउट होगा वो फिर पर्सनली आप मुझे बताओगे वे यू इवर इम्प्लॉयड तो नो no. फिर प्लेस ऑफ बर्थ ये आप लिखोगे ठीक है। है, Whether you have been selected or applied for UPSC UPSC examination, तो 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 कोई भी आपने UPSC के examination में ये apply किया तो yes, जो का apply किया जो जो देखो जहां number आपको पता नहीं है, तो वहां जीरो लिख दो। आपका क्या हुआ एपियर हुए सिलेक्शन हुआ नहीं सिलेक्शन हुआ ये सारे करना है अब है Have you been debarred by any public service commission or SSC from any of their examination? एग्जामिनेशन तो नो no. अब नेम ऑफ फादर नेम ऑफ मदर नेशनलिटी तो नेशनलिटी ऑलरेडी इंडियन जो भी है प्रेजेंट पोस्टल ऑर्डर फादर का ये पोस्टल एड्रेस डालना है फिर आपका जदि डिजीज है यानी कि डेथ उनका हो चुका है तो लास्ट एक तरह से उनका एड्रेस फिर सेम सिचुएशन मदर का पोस्टल एड्रेस डालना है फिर फादर का प्रोफेशन डालना है मान के चलो एग्रीकल्चर फिर मदर का प्रोफेशन डालना है जो भी आप है ये सारी चीजें ये करोगे एनुअल इनकम ऑफ योर फादर का दिखाना है फिर एनुअल इनकम ऑफ मदर फिर डिस्ट्रिक्ट टू विच योर फादर ओरिजिनली बिलोंग्स ये करना है फिर डिस्ट्रिक्ट ये स्टेट ऑफ योर फादर ओरिजिनली बिलोंग फिर मदर में सेम सिचुएशन फिर मदर में ये सेम सिचुएशन अब देखो रीड वाला मदर टंग जो है तो ये रीड स्पीक रीड एंड स्पीक रीड राइट एंड स्पीक और ये आपका जो एग्जामिनेशन पास अब इसमें से जो है मान के चलो कि मदर टंग नो डाउट आपका हिंदी होता है लेकिन इसमें से कोई भी है आप हिंदी का भी सिर्फ लिख सकते हो और ये इसमें इंग्लिश जो भी है आप जिस चीज को जो बंगला कन्नड़ मलयालम वट्स वेबर तो जो जानते हो तो इसमें ऐड कर दोगे और कोई एग्जाम पास किए हो generally उसी को लिखो कि किसी लेवल तक एटलीस्ट आपने पढ़ा है एग्जाम पास करने का मतलब स्पेशल ये नहीं है जैसे फॉर एग्जाम्पल कोई भी इंग्लिश है हिंदी के साथ साथ आप इंग्लिश पढ़े हो तो इंग्लिश टेंथ तक तो पढ़े हो ट्वेल्थ तक पढ़े हो ग्रेजुएशन तक वोट्स पढ़े हो फिर या फिर कोई और एक्स्ट्रा लैंग्वेज जानते हो तो वो लिखो फिर आपका जो भी है प्राइज मेडल स्कॉलरशिप तो ये आप कोई भी प्राइज मेडल स्कॉलरशिप इस पॉइंट ऑफ व्यू में इसमें आपको प्रॉपर तरीका से देखना है क्योंकि इससे क्वेश्चन जनरली पूछे ही जाते हैं फिर टीम वगैरह कोई पार्टिसिपेट आपने किया उसमें से कोई अचीवमेंट वगैरह है तो ये लीखोगे फिर उसके बाद पोजीशन ऑफ डिस्टिंक्ट लीडरशिप हेल्ड कोई भी ऐसा पोजीशन आपने ये किया जैसे फॉर एग्जाम्पल ये है वाइस प्रेसिडेंट ऑफ जूलॉजी डिपार्टमेंट इन कॉलेज ठीक है क्लास मॉनिटर इन स्कूल फिर अदर एक्सट्री एक्स्ट्रा क्यूरिकुलर तो कबड्डी प्लेइंग एंड ट्रैवलिंग तो इसमें जो भी आप कर रहे हो जो भी जिसपे आपका कमांड है जिन चीजों को ही लिखना है फिर सी एग्जाम में

आर्म पुलिस फोर्सेस एग्जामिनेशन अर्लियर नो अब इसमें कर लोगे, तो फिर आप फर्दर इलिजिबल नहीं होगा जैसे फॉर एग्जाम्पल ट्वेंटी बहुत सारे कैंिडेट जो फाइनली सेलेक्ट हो गए वो ट्वेंटी ट्वेंटी में भी रिटर्न क्वालिफाई हुए या इनफैक्ट देखोगे ट्वेंटी ट्वेंटी वन का जो डी एफ फिल करना है तो उसमें बहुत सारे लोग ट्वेंटी ट्वेंटी में ऑलरेडी रिटर्न क्वालिफाई है उनका इंटरव्यू होना है तो कहीं ना कहीं लेकिन अभी सेलेक्ट तो वो फाइनली एक्सेप्ट नहीं हुए हैं एलोकेशन अभी नहीं हुआ है अब लिस्ट ऑफ इंक्लोजर तो देखो सर्टिफिकेट ऑफ एज ये चूंकि जनरल कैंडिडेट के हैं तो इनको सर्टिफिकेट ऑफ एज यानी कि टेंथ वाला फिर स्कैंड कॉपी ऑफ सर्टिफिकेट ऑफ एजुकेशनल क्वालिफिकेशन ये आपको जमा करना पड़ेगा अभी ऑनलाइन में आपको यानी कि ये तो इसमें ग्रेजुएशन का और उजेंड तो तो एटीन में था ही नहीं ठीक है तो ये किसी कोई भी कम्युनिटी का इसमें नहीं है तो इसको इनको कोई और करने की जरूरत नहीं है। आप यदि ओबीसी में हो तो ओबीसी का करना पड़ेगा फिर एक ओबीसी में हो तो ओबीसी अनेक्सचर होता है ठीक है तो वो आपका फॉर्मेट रहता है उसमें इनकम आपका देखो जनरल कैंडिडेट है तो इनको फादर का इनकम वगैरह का भी वो फादर मदर का जो थ्री इयर्स का वो भी नहीं करना पड़ा अब ये declaration आपको करना पड़ता है कि जो भी कुछ इंफॉर्मेशन हमने डाला है वो सारे के सारे इंफॉर्मेशन सही है एजुकेशनलबिलिटी क्राइटेरिया अदर है वो आप क्वालिफाई कर रहे हो वो आप सेटिस्फाई कर रहे हो उसके बाद एक ये आपका समरी सीट होता है देखो जो एक मेन अब तक जो हमने देखा वो डी जो होता है वो चेयरपर्सन जो आपके बोर्ड के होते हैं तो उनके पास वो चेयरपर्सन के पास पूरा डिटेल्ड होता है लेकिन जो अदर होते होते हैं मेंबर्स हैं उनके पास ये समरी सीट होती है समरी सीट में देखोगे कि इनका जो है डेट ऑफ बर्थ आपका रोल नंबर से लेकर के ये सारे जो भी है एक्स्ट्रा क्यूरिकुलर एक्टिविटी इसी वजह से बोला जाता ना कि एक्स्ट्रा क्यूरिकुलर एक्टिविटीज वगैरह को प्रॉपर तरीका से प्रिपेयर या फिर आपका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है इसको प्रोपर तरीका से प्रिपेयर करके क्योंकि ये सीट सबके पास होता है और अदरवाइज डी में भी कुछ लिखा हुआ है हर एक-एक शब्द -एक को आपको आपको मल्टीपल टाइम उसको उसको देखना है है उसको है रिवाइज करना समझना तो ये में हमने प्रेजेंट किया उसके बाद कुछ भी क्वेश्चंस क्यूरी डाउट्स जो भी होगा वो आप हमें बताना हमें इस ये करना इस व्हाट्सएप नंबर पे या इस टेलीग्राम नंबर पे ठीक है इन दोनों पे इस व्हाट्सएप नंबर 8527146498 और एट फाइव टू सेवन फोर सिक्स एट और टेलीग्रामी कुछ इंपॉर्टेंट होगा तो कुछ, कुछ लगेगा कलेक्टिव इसमें रिस्पॉन्स की जरूरत है तो मैं उसके वीडियो बना करके अपलोड कर दूंगा इंडिविजुअल रिस्पांस की जरूरत है तो मैं इंडिविजुअल आपको गाइड करूंगा जब भी देखो डी जब आप फिल करोगे तो फाइनल फील करने से पहले आप यदिंग हो आपको लगता है यस कि हम कर सकते हैं, आपको बता सकते हैं तो प्रिंट है? प्रिव्यू होता है उस प्रिंट प्रिव्यू को हमारे पास सेंड करोगे या जिनको भी आपको लगता है कोई आपके सीनियर है जो ऑलरेडी क्वालिफाइड है या जिनको एग्जामिनेशन के बारे में अवेयर है या आप जिस किसी और भी मैंटर से जिससे भी रिलेटेड हो तो पहले फाइनल सबमिट करने से पहले दिखा लो क्योंकि तो एक बार आप फाइनली सबमिट कर लेते हैं तो आपको आपके पास विकल्प नहीं होता बहुत बार मिस्टेक से लेकर के हर वो चीज एवॉइड करने की कोशिश करो मिनिमम ईरर जो भी ईरर ना हो जीरो हो बहुत अच्छा एकाद हो जाता है तब समटाइम क्या होता है ना आपने फील किया तो आपको पता नहीं चला सामने वाला जो देखा उसको पता चल गया तो जो भी हमारे एक्सपीरियंसेस है आ, स्टूडेंट्स के साथ मेरे खुद के इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने का ये सारे तो उसके आधार पे मैं चीज़ों को डिस्कस कर रहा हूँ मैं बता रहा हूँ ठीक है तो आप जो भी है क्वेश्चन क्यूटी डाउट को बताना बाकी और हम आगे और डिटेल ये करेंगे फिजिकल वगैरह के बारे में भी कि किस ढंग से फिजिकल वगैरह का करना है क्या सारी चीज़ें ये भी हम डिस्कस करेंगे ओके थैंक यू